हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे लैपटॉप के अंदर, जो भी लैपटॉप का मदरबोर्ड या पीसीबी होता है, उसके अंदर आपका जो कंपोनेंट यूज़ होता है और जो आईसी यूज़ होती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लैपटॉप का मदरबोर्ड आपको दिख रहा होगा, इसमें कौन कौन सी आईसियाँ होती हैं, मॉसफेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मॉसफेट को कैसे पहचाना जाता है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग करना है तो आपको कंपोनेंट के बारे में, जो लैपटॉप में मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट लगे होते हैं, उन कंपोनेंट के बारे में आपको प्रॉपर क्लियर नॉलेज होना चाहिए, और कौन सा कंपोनेंट का क्या काम होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, और स्केमेटिक के बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एक मदरबोर्ड के अंदर में हमारी जो आईसियाँ होती हैं, मेजर आईसी क्या है, और जो छोटी आईसियाँ होती हैं, माइनर आईसियाँ होती हैं, जो सप्लाई बनती है हमारी मदरबोर्ड में, वो किस प्रकार से बनती है, वो तो नहीं आज एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको केवल कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आप एक बेसिक क्लास समझ लो, जिसको आप फर्स्ट डे की ट्रेसिंग भी बोल सकते हो, यानी कि अगर आप फर्स्ट डे ट्रेनिंग लेना चाहते हो कभी कहीं पे भी, तो आपको फर्स्ट डे जो पढ़ाया जाता है ना, बेसिकली वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि एक लैपटॉप के अंदर किस तरह के आपको सर्किट्स मिलेंगे, कौन कौन सी मेजर आईसियाँ देखने को मिलेंगी, वो जो टाइप होगा बोर्ड का उससे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और मॉसफेट जो आपके होते हैं वो कैसे पहचाने जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, वो लैपटॉप रिपेयरिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको कंपोनेंट की नॉलेज ना होने की वजह से वो लैपटॉप रिपेयरिंग शायद नहीं कर पाते हैं। और स्केमेटिक के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए, और पावर सिक्वेंस वगैरह जो होता है इसका, वो अलग ही होता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं वो लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं सीख सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं वो लैपटॉप रिपेयरिंग काफ़ी इजी वे में सीख सकते हैं, क्योंकि उनको एक तरह से देखो तो वो बिगिनर नहीं है, उनको इलेक्ट्रॉनिक पहले से आती है, बस उनको क्या चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए और कंपोनेंट की अच्छी नॉलेज चाहिए, जिसके बाद वो ट्रेसिंग कर जाएंगे बोर्ड को। और सिक्वेंस का पता होना चाहिए कि कौन सा पावर कब बनना चाहिए, किस तरह से हम पावर को ट्रेस करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे बताते हैं आपको कि कौन कौन सी आईसी जो है हमारा मेजर आईसी होता है। देखिए, कोई भी लैपटॉप का मदरबोर्ड होगा ना, उसमें आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट आईसी जो होती है, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, तो एक सॉकेट लगी होती है उसकी। जैसे पुराने मॉडल में ऐसे सॉकेट आती थी, ठीक है, इस सॉकेट के ऊपर में, इस सॉकेट के ऊपर में आपका जो है सीपीयू यहाँ पे इंस्टॉल होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक सॉकेट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माइक्रोस्कोप में, ठीक है, इसी के ऊपर में सीपीयू लगता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू होता है, तो इस स्क्रू को हम जो है ऐसे रोटेट करा सकते हैं, और इसको रोटेट करके जो है सीपीयू को इसमें हम देखिए, इसको रोटेट करने से ये सॉकेट पूरी ओपन क्लोज हो रही है, तो इसको रोटेट करा के सीपीयू को इसमें ऐसे करके ओपन करके अभी फिलहाल ये सीपीयू इसमें रख देंगे, और ऐसे इसको क्लोज कर देते हैं ताकि सीपीयू की पिनें जो हैं इस सॉकेट में क्या हो जाए, कनेक्टेड हो जाए। समझ में आया? ये हमारा पुराना सॉकेट आता था, अभी भी है लैपटॉप, ये काफ़ी बहुत सारे मॉडलों में ऐसे हैं जो थोड़े से ओल्ड मॉडल के थे, तो अभी भी लैपटॉप आपके पास ऐसा आएगा कि जिसमें सॉकेट लगी होगी। अब नए लैपटॉप जो आ रहे हैं उनमें क्या है कि ये सीपीयू जो है बोर्ड में, जैसे सीपीयू मोबाइल में होता है ना, वैसे इस तरह की चिप के रूप में उसको फिक्स कर दिया गया है, यानी कि वो एसओसी है हमारी, उसको हम एसओसी बोलेंगे, और वो एसओसी जो है हमारा बोर्ड के अंदर ही सोल्डेड है, यानी कि इस तरह से बीजी आईसी के रूप में है, वो लगा हुआ है। यहाँ पे सीपीयू भी एक बीजी आईसी ही होती है, लेकिन उसको आप बाहर निकाल सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन हमारा जो लेटेस्ट बोर्ड होगा उसमें सीपीयू बोर्ड पर चिपकी हुई होगी, सरफेस ऑन चिप इसको बोलते हैं एसओसी, वो बोर्ड में सोल्डेड होगा, उसको निकाल के आप रिवॉल्विंग करते हो, ऐसा होता है उसमें, लेकिन इसमें क्या है, सीधा निकाल सकते हो। तो सीपीयू के बारे में ये तो बात आपकी एक ये अलग ही बात रही, और आपको बोर्ड में इस तरह से एक बड़ी सी आईसी हर बोर्ड में आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीएच। जैसे कि आपका इसी के अंदर पावर मैनेजमेंट चिप होता है, जैसे हमारा पावर आईसी होता है ना मोबाइल में जो पावर आईसी होता है, वैसा ही ये एक पीसीएच के अंदर एक पीएम पावर मैनेजमेंट होता है, उसके लिए यहाँ पे एक क्रिस्टल लगी है। आपके मोबाइल में भी क्रिस्टल होते हैं, ये देखिए एक आरटीसी क्रिस्टल है, और एक हमारे यहाँ पे अलग ही क्रिस्टल है जो आपका ये यहाँ पे दिख रहा है एक्स
25 मेगा हर्ट्स का ये क्रिस्टल यहाँ पे दिख रहा है। तो पावर आईसी में भी 26 मेगा हर्ट्स, 19 मेगा हर्ट्स और स्लिप क्लॉक 32 किलो हर्ट्स ऐसा देखने को मिलता है मोबाइल में भी। और आपका पीसीएच यहाँ पे है और वहाँ पे कैसे पहचानते हो आप कि पावर आईसी कौन सी है? हमारी पीएम इसी के अंदर है क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल कनेक्टेड है, तो ये हमारा एक पीएम की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन ये थोड़ा लॉजिकल वर्क करता है, नॉर्मल मोबाइल के पीएम की तरह नहीं है ये। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे सिग्नल जनरेट करता है और बोर्ड में एक एक सप्लाइयों को परमिशन देता है और एक एक पावर को ऑन करने के लिए हमारा जो है पूरा मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है ये आईसी। तो सभी फ़ोन में आपको एक इस तरह से आईसी दिखेगी जिसमें इस तरह से क्रिस्टल लगे होंगे, तो यही उसकी पहचान है। अगर क्रिस्टल नहीं भी होंगे लेटेस्ट बोर्ड में तो थोड़ा सा चेंज आता है, वो हम आगे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ये पीसीएच है इसमें आपका पावर मैनेजमेंट का पूरा जो है लॉजिकल वर्क कंट्रोल करता है, ये पूरा पावर मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। तो अभी हमने दिखाया आपको कि दो आईसी सीपीयू हो गई और एक पीसीएच। तो हुआ ये है कि पीसीएच और सीपीयू को दोनों को मिला दें, अगर ना दोनों को मिला दें तो एक ही चिप केवल लग के आएगी लेटेस्ट बोर्ड में, उसको एसओसी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि सीपीयू अलग है पीसीएच अलग है, दोनों को मिला दें तो एसओसी हो जाता है। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट आईसी जो होती है आपकी वो आईओ कंट्रोलर चिप होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसकी आईओ आईसी है जो नियोटन की है। तो ये आईओ आईसी जो है आपका ये कमांडर आईसी इसको आप बोलोगे, क्योंकि बोर्ड में जो पीसीएच के द्वारा कमांड आते हैं या फिर पीसीएच को कमांड जाते हैं तो यहीं से इनपुट आउटपुट होता है। अगर ये आईसी ख़राब होगी तो आपका फ़ोन लैपटॉप डेड हो सकता है। इस आईसी के ख़राब होने से भी आपका लैपटॉप डेड होता है, क्योंकि यही हमारी आईसी जो है पूरे सेक्शन को कंट्रोल करती है, ये कमांडर आईसी इसको बोलेंगे। ये हमारी पीसीएच से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और अदर सेक्शन से भी कनेक्टेड होती है, जिसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देखते हैं। तो एक आयो चिप आपको इस तरह की दिखेगी, ठीक है। तो ये हमारा आयो चिप जो है ये सुपर आयो करके भी आता है, जिसमें आपके ये आयो की साइज जो होगी छोटी हो जाती है। तो उस तरह के भी आयो आते हैं, वो आपको स्कीमेटिक से पता चल जाता है कि वो क्या है, या फिर उसके ऊपर जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को नेट पर डालते ही पता चल जाता है कि वो कौन सा चिप है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि तीन मेजर आईसी, जैसे आपके मोबाइल में ना पावर आईसी, सीपीयू और फ्लैश आईसी यानी कि ईएमएमसी चिप होती है सॉफ्टवेयर के लिए, वैसा ही इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है ईएमएमसी नहीं होती है ना, इसमें एक बायोस प्रोग्रामर आईसी होती है, जो कि चौथी आपकी इंपॉर्टेंट आईसी होगी। देखो आप यहाँ पे एक छोटी सी विंड बॉन्ड की आईसी नज़र आ रही है, यहाँ पे एक विंड बॉन्ड की छोटी सी आईसी नज़र आ रही है। ये विंड बॉन्ड की जो आईसी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बायोस चिप बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके कोड को भी आप जो भी लिखा रहे हैं यहाँ पे, इसके कोड को आप नेट पर डालोगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी आईसी है। तो इस तरह से हमारा चार मेजर आईसी अभी फिलहाल में हुआ, एक हमारा बायोस चिप हुआ, एक हमारा बायोस चिप हुआ, एक पीसीएच हुआ, एक सीपीयू हुआ और एक आईओ कंट्रोलर यानी कि कमांडर आईसी हुआ। तो चार चिप जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चिप हैं। उसके बाद इसको चार्ज करने के लिए भी एक आईसी चाहिए होता है, जो कि हमारा चार्जिंग आईसी होता है। तो इस बोर्ड में भी देखते हो आप, यहाँ पे चार्जिंग की भी एक आईसी लगी हुई है जिसके ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ BQ करके, BQ 727 727, ये BQ चार्जिंग आईसी है। जैसा कि मोबाइल में भी BQ चार्जिंग आईसी आपको देखने को मिलता है, वैसा ही BQ चार्जिंग आईसी यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक CPU, PCH, चार्जिंग आईसी, आईओ कंट्रोलर और एक आईसी और होती है जो कि आपकी ग्राफिक के लिए होती है। ऐसे ही चिप दिखेगी जिसके ऊपर NVIDIA लिखा होता है या फिर AMD के प्रोसेसर में इनबिल्ड कुछ ग्राफिक्स होते हैं। तो आपके क्या है कि यहाँ पे इसी तरह की दिखने वाली एक और आईसी अगर इसके बगल में लग के आ जाए आसपास, ये बोर्ड जो है ना ये विदाउट ग्राफिक बोर्ड है, इसमें ग्राफिक का कोई भी सेक्शन बनाया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्राफिक होगा वो सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ड होगा। तो यहाँ पे आपका जो अलग से अगर कोई ग्राफिक चिप लगी होती सेम टू सेम इसी आईसी की तरह अगर दिखती, तो वो हमारा ग्राफिक चिप होता, उसके ऊपर कुछ कोड लिखे होते हैं, कुछ कंपनी के नाम होते हैं। जैसे वो कंपनी के नाम आप नेट पे डालोगे आपको सीधा पता चल जाएगा कि वो ग्राफिक चिप है। तो उसकी अलग अलग साइज होती है, उसके हिसाब से वो लगा होता है और उसका भी एक पावर सेक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज आपका जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपका सीपीयू, पीसीएच, ठीक है, सीपीयू, पीसीएच और आईओ कंट्रोलर और बायोस आईसी, ये चार आईसियाँ जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये चार आईसियाँ आपके बोर्ड में हैं और इनका कम्युनिकेशन सही हो रहा है तो आपका बोर्ड जो है
ऑन होगा, और इन चारों आईसीयू की पावर कंप्लीटेड है, यानी कि इन चारों आईसीयू की पावर सही बन रही है, पावर प्रॉपर बन रही है और इनकी कम्युनिकेशन सही हो पा रही है, तो आपका बूट ट्रिगर होता है। आज हम बात करेंगे, ये तो हमने एक छोटा सा बताया आपको कि किस किस तरह से आ सकते हैं, अभी इसके हम ऊपर और भी चर्चा करेंगे आगे। अभी हम बात करेंगे कि इसमें मॉस्फेट जो होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं। आप देखो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है ये एक हमारा जो है, यहाँ पे देखो आप इसका नाम लिखा हुआ है यू, मैं दिखाता हूँ आपको ट्विजर की मदद से, यहाँ पे लिखा हुआ है यू पी यू 4306। तो ये यू लिख रहा है, बेसिकली मॉस्फेट को क्यू से डिनोट किया जाता है लेकिन यहाँ पे यू से डिनोट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो होता क्या है, इसमें होती तीन पिने ही हैं, ये देखने में आपको इस तरह से नज़र आ रही है जैसे लग रहा है कि आठ पिने हैं इसमें, चार पिने इधर हैं और चार इधर, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें टोटली तीन पिन ही है। आपका ये जो है इधर का पूरा पिन जो है आपस में कनेक्टेड है, ये चारों सिंगल पिन है, और यहाँ पे एक छोटी सी एरो बनी हुई है, दिख रहा है यहाँ पे एक छोटी सी एरो बनी हुई है, तो यहाँ से तीन पिन, यहाँ पे नोच कट है, यहाँ से तीन पिनें जो हैं आपकी क्या है सोर्स होती है, और एक यहाँ पे आपका गेट होता है। तो मॉस्फेट में तीन पिन होती हैं, ड्रेन सोर्स गेट। मैं दिखाता हूँ मल्टीमीटर से मेजर करके आपको, मल्टीमीटर को मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी रेंज पे, और मल्टीमीटर भी आपको नज़र आ जाएगा अभी बीप रेंज पर, मैं कर लेता हूँ मल्टीमीटर को। देखिए आपका जो यहाँ पे चिप दिख रहा है, इसमें देखो ये जो चारों पिने आपस में कनेक्टेड हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के तीन पिने जो हैं आपस में कनेक्टेड है, और ये सिंगल पिन है, ये आपस में कनेक्टेड, तो एक ये हो गया, तीन ये हो गया, और ये चार। तो कैसे पहचानेंगे ड्रेन कौन है, तो जो चार पिन है ना वो ड्रेन है, और जो तीन पिन है वो सोर्स है आपस में कनेक्टेड, और ये इसका जो सिंगल पिन है ये इसका गेट है जो इसको ऑन ऑफ करता है, इस मॉस्फेट को ऑन और ऑफ करेगा यही गेट। गेट की मदद से ही किसी मॉस्फेट को ऑन या फिर ऑफ कराया जाता है। तो सेम ऐसा ही आपका यहाँ पे भी दिख रहा है, चार पिन और तीन पिन और एक सिंगल, ऐसे ही मॉस्फेट आपके मोबाइल में भी लग के आने लगे हैं, रियलमी के फ़ोन में भी। तो ये मॉस्फेट आपका इस तरह से दिखने को मिलेगा, एक तो ऐसे मॉस्फेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी हम आगे अभी देखते हैं, कई तरह के मॉस्फेट आते हैं, देखो यहाँ पर भी लगे हुए हैं, तो इसको तो हम मॉस्फेट नहीं बोलेंगे, क्यों, सॉरी मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये तो मॉस्फेट नहीं है, क्योंकि इसमें देखो कोई भी दो पिन आपस में या चार पिन आपस में बजर नहीं कर रहा है, सबकी सेपरेटली ट्रैक बनी हुई है यहाँ पे, तो ये मॉस्फेट नहीं है, ये एक आईसी है, ये एक आईसी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, इसमें भी एक पिन दो पिन, देखो आप यहाँ पर ये दो पिन आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे भी आपके दो पिन जो है आपस में कनेक्टेड है, ये तीसरे भी इसी से कनेक्टेड है, तीन पिन कनेक्टेड बता रहे हैं और सिंगल के दो पिन आपके अलग अलग होंगे। तो इसमें भी क्या होता है, डबल जो होता है ना आपका डबल मॉस्फेट, ठीक है। मैं दिखाता हूँ फिर से आपको, यहाँ पे देखिए ये तीन पिने हैं इधर हैं और दो पिने इधर हैं, ये एक ड्राइवर आईसी भी हो सकती है, इसमें आपका डुअल मॉस्फेट भी हो सकता है, डुअल ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, वो स्कीमेटिक से पता चलेगा आपको कि यहाँ पे क्या है, लेकिन ये भी आपकी एज ए स्विचिंग जैसे मॉस्फेट करती है वैसे ही ये भी वर्क करता है। आपको यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे, ये डायोड दिख रहा है यहाँ पे, ये डायोड देखो शॉर्ट आ रहा है, इसमें शॉर्ट सर्किट होगा बोर्ड में, यहाँ पे आपका ये तीन पिन के जो ट्रांजिस्टर जैसे नज़र आ रहा है ना, दिख रहा है ये जो तीन पिन के आपके ट्रांजिस्टर नज़र आ रहे हैं, इस तरह के शेप में डायोड भी होते हैं, इस तरह के शेप में डायोड भी होते हैं, इनको क्यू से डिनोट करते हैं, Q2102 Q2101 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी शेप में आपके डायोड भी आते हैं और इस शेप में ट्रांजिस्टर भी होते हैं, तो वो आपको देख के पता चल जाएगा स्कीमेटिक से। तो ये ट्रांजिस्टर आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, डायोड भी इस तरह से देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देखो लिखा है D3601 और ये हमारा ट्रांजिस्टर की शक्ल में दिख रहा है, लेकिन है ये क्या, डायोड, यह है डायोड, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, और ऊपर में ये हमारा क्यू से लिख रहा है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ये IOIC के पास में भी ढेर सारे लगे होते हैं इस तरह के ट्रांजिस्टर और डायोड, ठीक है। तो हर बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे ट्रांजिस्टर डायोड,
अब एक टाइप और होता है आपके जो मॉसफेट का, यहाँ पे देखिए एक इस तरह के मॉसफेट दिखेंगे बोर्ड में, दिखने में थोड़ा सा शक्ल जो है इसका इस मॉसफेट से बिल्कुल भी अलग है, ये मॉसफेट से बिल्कुल भी अलग चेहरा है इसका। तो ये मॉसफेट के ऊपर भी यहाँ पे लिखा है U3607, स्कीमेटिक से इस नाम को सर्च करके आप पता कर सकते हो। और अभी के लेटेस्ट बोर्डों में ये नाम नहीं आता है, तो उसका भी तरीका बताया जाएगा कि वो कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो आप तीन पिन आपस में एक ट्रैक पर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल पिन है जो इससे कनेक्टेड नहीं है, बजर नहीं आ रही है, और ये चार पिने आपस में कनेक्टेड है। तो ये हो गई ड्रेन, ये हो गए तीन पिने सोर्स, और ये गेट है। स्पेशली इसमें तीन पिने ही हैं, दिख रहा है चार आठ लेकिन है तीन पिन। तो ये भी हमारा क्या है, मॉसफेट है। तो समझ में आया होगा आपको मॉसफेट कैसा है। यहाँ पे भी देखो ये सब क्या है, ये सब मॉसफेट लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारी पावर इन लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी देखो आप, ये सब क्या है, मॉसफेट है। तो आई होप आपको मॉसफेट पहचानने आ गया होगा कि मॉसफेट दिखते कैसे हैं। यहाँ पे देखो आप तीन पिने इधर कनेक्टेड हैं, नहीं इधर चारों कनेक्टेड है, इधर तीन है और इधर एक सिंगल है, तो ये मॉसफेट हुए। इधर भी देखो तीन कनेक्टेड है, इधर चारों आपस में कनेक्टेड हैं, इधर तीन कनेक्टेड है, इधर चारों मोटे से ट्रैक पे रखे हुए हैं। तो देख के ही पता चल रहा है ये सब मॉसफेट है, मॉसफेट है। यहाँ पे मॉसफेट 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 दिख रहा है ना। तो ऐसे आपके ये ट्रांजिस्टर, यहाँ पे आपका एक डुअल ट्रांजिस्टर, तो इस तरह से आपको बोर्ड में पहचानना होता है पहली कंपोनेंट जो आपकी है मॉसफेट। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है आपका, यहाँ पे जो दिख रहा है ये, इसमें सबकी अलग अलग ट्रैक है। ये हमारा मॉसफेट नहीं है, ये हमारा आईसी है, ठीक है, ये एक आईसी है। और ये आईसी का कुछ यहाँ पे लॉजिकल वर्क होता है, तो कुछ वोल्टेज कन्वर्जन या वोल्टेज के लिए होता है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि एक बायोस आईसी भी मॉसफेट के शक्ल में ही दिखती है, लेकिन उसकी सभी ट्रैकें जो है ना वो अलग अलग होती हैं। दिख रहा है आपको सभी ट्रैकें जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग नज़र आ रही हैं। इस तरह से आप जो है इन्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये हमारा मॉसफेट नहीं है। इसमें क्या है कि ये कंपनी का नाम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे इसकी कोड लिखी होती है, इससे पूरा आपका डिटेल मिल जाएगा कि ये बायोस के अंदर क्या साइज है। क्योंकि ये बायोस जो होता है ना, यही हमारा कम्युनिकेशन कराता है ट्रिगर के लिए। तो अगर ये बायोस करप्टेड रहा या बायोस ख़राब रहा तो लैपटॉप ट्रिगर नहीं होता है, केवल एक हार्डवेयर पार्ट बन के रह जाएगा वो। और भी बहुत सारे काम होते हैं बायोस के, बायोस का, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आगे हमें ये समझ में आएगा कि बायोस क्या है। और यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है छोटी सी एक आईसी लगी हुई है, जो कि आपकी रैम आईसी है, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और ये आईसी शायद थोड़ी टेढ़ी लगी हुई है, इसके पीछे क्या है, रैम का सॉकेट नहीं है, रैम सॉकेट तो नहीं है इसके पीछे, ठीक है। हाँ, ये हमारा 3-5 रेगुलेटर आईसी है, डुअल रेगुलेटर आईसी जिसको बोलते हैं। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि डुअल रेगुलेटर आईसी क्या है, सिंगल रेगुलेटर क्या है। तो ये आपका क्या है कि एक छोटा सा व्यू मिला इसमें जो मॉसफेट को कैसे पहचाने। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, दिख रहा है, ये दोनों कैपेसिटर हैं। येलो वाले कैपेसिटर आप ऑलरेडी मोबाइल में जानते ही हो। और ये हमारे रजिस्टर्स हैं जो आपस में MIPI लाइन की तरह होते हैं, ये चार रजिस्टर आपस में कनेक्टेड है मॉसफेट। और ये हमारी बड़ी सी जो दिख रही है, ये हमारा क्वाइल है, ये रजिस्टर नहीं है, ये हमारा क्या है, क्वाइल है, ठीक है। तो ऐसे आपको बोर्ड में दिखेंगे बहुत सारे क्वाइल, ये सभी क्वाइल जो होते हैं वो किसी न किसी रेगुलेटर सेक्शन में ही लगे होते हैं, दिख रहा है। तो ये सभी क्वाइल पे पावर बनती है जो कि अलग अलग सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि मॉसफेट जो होता है वो एक्चुअल में बोर्ड में दिखता कैसा है, और CPU के अलावा और कौन कौन सी ICs बोर्ड में देखने को मिलेंगी, PCH, IO और BIOS IC, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो डुअल रेगुलेटर IC है उसका भी रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, RAM IC, कोर IC, तो बहुत सारी चीज़ें, वो तो सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन की सप्लाई हम रिपेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि यहाँ पे PCH है तो PCH की भी वोल्टेज बन रही होगी कहीं पे, CPU है तो CPU की भी वोल्टेज बन रही होगी कहीं पे, ऐसे ही PCH जैसा एक और IC लगा है तो उसकी भी वोल्टेज बन रही होगी, जो कि ग्राफिक IC होगी, ग्राफिक वोल्टेज बनेगा। और ऐसे आपका बोर्ड में बहुत सारी वोल्टेजेस बनती है जिनको हम पावर सीक्वेंस के टाइम पे धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ते हैं। लेकिन आपको एक ऊपर ऊपर समझ में आ गया कि आपके बोर्ड में कौन कौन सी टाइप के, किस तरह से दिखने वाले मॉसफेट होते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वैसा ही है जैसा आपका मोबाइल में होता है, तो सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा। अभी आप देखो यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे दिख रही है, एक दिख रही है यहाँ पे छोटी सी आईसी जैसा ही दिख रहा है, ये U56, ये भी हमारा एक क्या है,
ये एक आईसी है, ये यूएसबी कंट्रोल आईसी है, यहाँ पे आपका ये आईसी जैसा पैकेज है, ठीक है। यहाँ पे पिन अलग अलग है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। यहाँ पे मॉस्फेट लगे हुए हैं, यहाँ पे देखो ये एक टाइप के और मॉस्फेट हैं जो कि आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखो ये छोटे पैकेट के रूप में है मॉस्फेट, इसमें ये चारों पिन आपस में कनेक्टेड हैं और इधर के तीन पिन एक और सिंगल एक अलग पिन है। तो इस तरह से हमारे ये होते हैं, तो इसमें आपका ये छोटे मॉस्फेट होते हैं जो कि अक्सर 3-5 के सेक्शन में ही लगे होते हैं, डुअल इन्वर्टर सेक्शन में। तो आपको मॉस्फेट की पहचान जो है प्रॉपर आई थिंक समझ में आ गई होगी कि एक मॉस्फेट जो है बोर्ड में दिखता किस तरह से है। इनको चेक करने का क्या है कि मल्टीमीटर से जब आप चेक करोगे तो इनमें शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो बीप आती है। तीनों पिन में से कोई भी दो पिन जो है कंटिन्यूसली बीप नहीं करनी चाहिए। अगर बीप करता है तो उसको अपने हाथ से एक दो बार ऐसे टच करो, उल्टा करके उसको बोर्ड से निकाल के चेक होता है तो उसको टच करोगे आप, तो उसके बाद वो फिर बीप करना बंद कर देता है क्योंकि वो थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, तो उसको डिस्चार्ज करके फिर चेक करते हैं। तो अगर उसके बावजूद भी बीप करता है तो वो मॉस्फेट जो है आपका डैमेज माना जाएगा, शॉर्ट माना जाएगा। तो इस तरह के मॉस्फेट में आपको रीडिंग मिलती है, तो वो हम आगे वाले जो इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे कि मॉस्फेट को हम चेक कैसे करते हैं मल्टीमीटर की मदद से। अभी आपको समझ में आया होगा कि एक बोर्ड में जो है मॉस्फेट दिखता कैसा है। और भी बोर्ड के बारे में हम बात करेंगे आगे, अलग टाइप के बोर्ड में। इसमें फ़िलहाल में क्या है, CPU, PCH, IO, BIOS, 4 ICM, मेजर ICM। तो हर एक बोर्ड में आपको ये ICM देखने को मिलेंगी, या फिर लेटेस्ट मॉडलों में CPU, PCH इनबिल्ड हो जाएगा और IO बस रहेगी। तो केवल दो ही बड़ी IC आपको देखने को मिलेगी, एक SOC और एक IO जो कि एकदम लेटेस्ट बोर्ड है। तो उनको रिपेयर करने का थोड़ा अलग ही पावर सिक्वेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉस्फेट कैसा दिखता है। और अगर आप चाहते हो लैपटॉप रिपेयरिंग या फिर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हो। लैपटॉप रिपेयरिंग का न्यू बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर को, तो सीट की बुकिंग चल रही है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो लैपटॉप रिपेयरिंग करना, आप चाहते हो कि लैपटॉप में जो पूरा पावर प्लान है एडवांस लेवल पर सीखना, बेसिक टू एडवांस, यानी कि जो बिगनर हैं जिनको लैपटॉप के बारे में ज़्यादा नहीं पता है वो भी लैपटॉप को समझ सकते हैं, स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो आप। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से डिटेल ले सकते हो आप और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, सीट की बुकिंग कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो भी आप हमसे जुड़ सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग की सीट बुकिंग चल रही है, ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच भी हमारा 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है मोबाइल रिपेयरिंग का। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन बैच में, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी हमारा जो है कोर्स चल रहा है, तो उससे भी आप अपना काम कर सकते हो। तो मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।